गोरट्टी चौराहे के पास सिलेंडर में लगी आग से फास्ट फूड स्टॉल जलकर राख हो गया। अग्निकांड से जेल रोड पर अफरा तफरी सी मच गई। आनन फानन में स्टॉल के आसपास के दुकानदारों ने दुकान के शटर गिरा दिए। वहीं दूसरी ओर आग बढ़ने पर दोनों ओर का ट्रैफिक रोक दिया गया। आसपास के दुकानदारों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, साथ ही दमकल को भी सूचित कर दिया गया। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर सही समय पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंचती तो आग आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लेती। एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आग से फास्ट फूड का काउंटर संग कई हजार का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। घटना के चलते जेल रोड पर एक घंटे से अधिक ट्रैफिक डाइवर्ट रहा। गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे दमकल कंट्रोल रूम पर गोरट्टी चौराहे के पास एक बिला फास्ट फूड स्टॉल के गैस सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर FSO ज्ञान प्रकाश शर्मा दमकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल की टीम ने सिलेंडर पर लगी आग पर पानी की बौछार की, जिससे आग काबू हो पाई। आग सिलेंडर में होने की वजह से पुलिस ने जेल रोड से गोरट्टी की ओर आने वाले और जेल रोड से जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया, जिससे लोगों की भीड़ ने ये नज़ारा देखा। FSO ज्ञान प्रकाश शर्मा ने बताया कि बिला फास्ट फूड का स्टॉल अंकित नाम का शख्स चला रहा है। पूछताछ में आसपास के लोगों ने बताया कि अभी कुछ महीने पहले ही इन्होंने किराए पर बेसमेंट में शॉप खोली और फ्रंट में स्टॉल लगाकर काम चल रहा था। स्टॉल पर काम के दौरान अचानक गैस लीक हो गई और सिलेंडर में आग लग गई। घटना के चलते एक घंटे से अधिक जेल रोड की सड़क पर सन्नाटा हो गया। बाद में आग काबू होने पर ट्रैफिक सामान्य हो पाया।